Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain question number 5 of exercise 3.2 and the question is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट गिवन है कितना है 22 डिग्री। तो हमें बताना है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो सकता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एज वी नो कि पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके, तो अगर 360 हमारे 22 डिग्री से कंप्लीटली डिवाइड होता है, आंसर हमें एक होल नंबर मिलता है, तो क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो करते हैं, देखिए ए पार्ट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू कितना होता है 360, राइट, और जो गिवन है एंड एक्सटीरियर एंगल मेजर कितना गिवन है हमें 22 डिग्री। ओके, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एक्सटीरियर एंगल हमारे कितने हैं। ओके, देन टोटल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 को डिवाइड करेंगे 22 डिग्री से, और देखिए ये इससे कितनी बार जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 वन जा 2 एट जा एंड 0। ओके, एंड अगेन आ गया हमारा 180 अपॉन 11, और इसके बाद ये कैंसिल नहीं होते हैं, दैट मींस कि 360 22 डिग्री से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमें टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल नहीं मिल रहे हैं, मींस कंप्लीट कितने एंगल होंगे वो हमें नहीं फाइंड हो रहे हैं, तो इसलिए 22 इस रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। ओके, तो लिखेंगे आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन एंड बाई, तो अब बोला कि क्या अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं है तो क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है। ओके, तो देखिए उसको भी देख लेते हैं, बी पार्ट, तो अब जब ये इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हमें गिवन है, क्या गिवन है, इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 22 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम कोई भी शेप लेते हैं तो इसका अगर इंटीरियर एंगल हमें गिवन है तो एक्सटीरियर हम फाइंड कर सकते हैं, राइट, 180 से माइनस करके, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, वन एट्टी डिग्री माइनस 22 डिग्री, और कितना मिलेगा यहां से हमें 158 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना आ गया 158 डिग्री। ओके, तो अब एक्सटीरियर एंगल हमें फिर से मिल गया, तो वापस से यही करेंगे जैसा हमने इसमें किया था, डिवाइड करेंगे 360 को 158 से, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेंगे 360 डिग्री अपॉन 158 डिग्री, और यहां से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी हम देख रहे हैं कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इसलिए जो बी है इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए दोनों ही केसेस से हमें क्या पता चलता है कि 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल भी नहीं हो सकता किसी रेगुलर पॉलीगॉन का, और 22 डिग्री इंटीरियर एंगल भी किसी रेगुलर पॉलीगॉन का नहीं हो सकता। ओके,
समझ आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलिए। थैंक यू।